सब्सक्राइब कीजिए नुमान टेक्नोलॉजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल स्क्रीन पर देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम नुमान ताहिर और आप देख रहे हैं नुमान टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा पोको का एक बहुत ही ज़बरदस्त मॉडल पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च होने जा रहा है जिसका नाम है पोको का X3 GT। अब आपने पोको का X3 पहले देखा, उसके बाद आपने पोको का X3 Pro देखा और एक ये बहुत ही अच्छी डिवाइस अभी रिसेंटली लॉन्च की गई थी और इसकी जो प्राइस लॉन्च की गई थी वो भी बहुत ही ज़्यादा कमाल थी और आप जो वीडियो देख रहे हैं वो भी पोको X3 Pro से ही रिकॉर्डेड है। तो अब दोस्तों मैं आपसे बात करूँगा फाइनली पोको X3 GT की। अब GT की जो डिवाइसेज है ये आपको एक एक्स्ट्रा लेवल की गेमिंग आपको प्रोवाइड कर देती है, एक कह लें कि प्रीमियम लेवल की गेमिंग का मज़ा आपको प्रोवाइड कर देती है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्पेसिफिकेशन इस फोन के अंदर निकल कर आती है। तो ये फ़ोन बहुत जल्दी पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च होने जा रहा है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये मोबाइल फ़ोन का पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आएगा, क्या इसकी प्राइस होगी और क्या स्पेसिफिकेशन हमें देखने को मिलेगी। तो मेक श्योर कीजिएगा वीडियो कैंट देखिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पोको का X3 GT की दोस्तों अगर सबसे पहले आप बात करूँ बिल्ड क्वालिटी को लेके, तो इसके अंदर हमारे पास जो बिल्ड क्वालिटी है वो हमें बिल्कुल प्लास्टिक फ्रेम और प्लास्टिक बैक ही हमें देखने को मिलेगा इस मोबाइल फ़ोन के अंदर, जो कि पोको के तकरीबन रिसेंटली जो भी पोको X3 भी आया था और वो X3 Pro के अंदर भी हमें प्लास्टिक फ्रेम प्लास्टिक बैक ही हमें देखने को मिला था। लेकिन इस दफ़ा दोस्तों डिज़ाइन को लेकर आपसे बात करूँ तो पोको X3 और X3 Pro के अंदर हमें सेम डिज़ाइन ही देखने को मिला था, खाली इंटरनल्स का फ़र्क था। लेकिन इस दफ़ा फाइनली पोको X3 GT के अंदर हमें डिज़ाइन का भी काफ़ी ज़्यादा एक मेजर चेंज हमें देखने को मिलेगा। इस तरह दोस्तों अगर बात करूँ आपसे फ्रंट साइड को लेके, तो फ्रंट साइड के ऊपर इसके अंदर हमारे पास जो LCD देखने को मिलेगी वो हमें IPS स्क्रीन देखने को मिलेगी जो कि 6.6 इंचेस की होगी और 120 हर्ट्ज की होगी, यानी कि जो स्क्रीन साइज़ होगा वो बिल्कुल हमारा पोको X3 Pro वाला ही होगा जैसे हमें पोको X3 और पोको X3 Pro के अंदर देखने को मिला। लेकिन दोस्तों अगर आपसे बात करूँ इसके इंटरनल्स की, बाकी इंटरनल्स की, तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एक मेजर चेंज आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर। दोस्तों अगर आपसे बात करूँ इंटरनल्स को लेके और मज़ीद, तो इसके अंदर हमें एंड्रॉयड 11 देखने को मिल जाएगा, MIUI 12.5 देखने को मिल जाएगा जो कि Xiaomi की तरफ से भी लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपसे बात करूँ तो इसके अंदर हमें जो रैम रोम का वेरियंट देखने को मिलेगा वो 6GB 128GB वाला वेरियंट भी होगा और 8GB और 256GB वाला वेरियंट भी आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन अभी इस चीज़ की कंफर्मेशन नहीं है कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर 6GB 128GB वाला आएगा या दोनों आएंगे या 8GB कह लें कि 256GB वाला वेरियंट पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च किया जाएगा। लेकिन इसके अंदर दो वेरियंट जो है वो ऑफिशियल इस चीज़ का कंफर्मेशन है कि दो वेरियंट जो है वो लॉन्च किए जाएंगे। अब कौन सा वेरियंट होगा और क्या इसकी स्पेसिफिकेशन, क्या इसकी प्राइजेज होगी, उसको मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। और दोस्तों अगर आपसे बात करूँ और बाकी इंटरनल्स को लेकर, तो इसके अंदर हमें जो प्रोसेसर देखने को मिलेगा इस दफ़ा इस फ़ोन के अंदर वो बहुत ज़्यादा कमाल होने वाला है। इस दफ़ा दोस्तों इसके अंदर जो प्रोसेसर होगा वो हमें मिलेगा मीडियाटेक का डायमेंसिटी 1100। अब दोस्तों ये जो प्रोसेसर है ना ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का प्रोसेसर है मीडियाटेक की तरफ से, क्योंकि इस प्रोसेसर के अंदर एक तो ये 5G प्रोसेसर है, 5G के अलावा ये प्रोसेसर आपको PUBG 90 FPS पे आपको गेम प्ले प्रोवाइड कर सकता है, यानी कि ये प्रोसेसर कहने के तकरीबन जैसे स्नैपड्रैगन का 888 प्रोसेसर आया था रिसेंटली, एक बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सट्रीम लेवल का गेमिंग प्रोसेसर था, तो वही प्रोसेसर इसके अंदर हमें मीडियाटेक का डायमेंसिटी 1100U का प्रोसेसर हमें देखने को मिल जाएगा। दोस्तों ये प्रोसेसर बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग प्रोसेसर है, PUBG आपको 90 FPS पर प्रोवाइड करेगा और प्राइस भी इसकी काफ़ी ज़्यादा कहने के लो होने वाली है, तो इस वजह से ये मोबाइल फ़ोन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हिट होने वाला है। और GPU की आपसे बात करूँ तो GPU जो होगा दोस्तों इसका वो आपको माली का G77 का GPU आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि एक बहुत ही एक्सट्रीम लेवल के आपको ग्राफिक्स भी आपको प्रोवाइड कर देगा ये मोबाइल फ़ोन। अब दोस्तों बात करें अगर कैमरा डिज़ाइन कैमरा मॉड्यूल को लेके, तो इसके अंदर जो कैमरे का जो डिज़ाइन रखा गया दोस्तों वो हमें जैसे Redmi का Note 10 Pro आया था कुछ वैसा ही रिजेंबल, उसको बस थोड़ा सा चौड़ा कर दें वैसा हमें इसका ना कैमरे का मॉड्यूल हमें देखने को मिल जाएगा, जो कि एक नया डिज़ाइन है। पहले इससे पहले हमें ना Redmi, Xiaomi और ना Poco की किसी डिवाइस में ये डिज़ाइन देखने को मिला है। बैक साइड पर दोस्तों आपसे बात करूँ तो ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि आपको तीन कैमरा बैक साइड पर आपको देखने को मिलेंगे, जो मेन कैमरा होगा 64 MP का होगा, दूसरा कैमरा आपको 8 MP का अल्ट्रा वाइड, और दोस्तों तीसरा कैमरा जो होगा वो 2 MP का एक मैक्रो कैमरा रखा जाएगा। इस दफ़ा जो डेप्थ सेंसर है उसको हटा दिया गया है, अब जो अल्ट्रा वाइड कैमरा वही आपको डेप्थ सेंसर का भी काम करेगा इस मोबाइल फ़ोन के अंदर, और आपको स्लो मोशन वगैरह हर चीज़ जो है वो आपको प्रोवाइड कर देगा। इसके अंदर जो स्लो मोशन होगा वो भी आपको एक 960 FPS तक का आपको स्लो मोशन जो है ये मोबाइल फ़ोन आपको प्रोवाइड कर देगा, जो कि एक अच्छी चीज़ है और 4K तक की रिकॉर्डिंग
अब दोस्तों अगर आपसे बात करूँ फ्रंट कैमरा को लेके, तो फ्रंट कैमरा इसका सिंगल कैमरा ही होगा, पंचोल कैमरा है, सिंगल कैमरा होगा इस मोबाइल फ़ोन के अंदर। और जो ये सिंगल कैमरा होगा ये 16 मेगापिक्सल का होगा, और ये फ्रंट कैमरा भी आपको कह लें कि ईजिली 4K की रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड कर देगा, और फ्रंट कैमरा के अंदर भी आपको स्लोमो का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों इसके अलावा अगर आपसे बात करूँ बैटरी को लेके, तो इसके अंदर हमें 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी, प्लस 5000 mAh की बड़ी बैटरी दोस्तों। उसके अलावा प्लस पॉइंट सुने ज़रा, इसके अंदर हमें 67 वाट की फास्ट चार्जिंग हमें देखने को मिलेगी, जो कि अब तक की पाकिस्तानी मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा फास्ट चार्ज होगी। यानी कि आपका मोबाइल 0 to 100% सिर्फ 39 मिनट्स में, यानी कि एक कम 40 मिनट में आपका मोबाइल 0 to 100% चार्ज हो जाएगा। तो दोस्तों कितनी ही अमेजिंग टेक्नोलॉजी है, और कितनी अमेजिंग बात है कि इस प्राइस के अंदर पोको हमें एक ऐसी चार्जिंग टेक्नोलॉजी हमें प्रोवाइड कर रहा है 67 वाट की, जो कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च होने वाली सबसे ज़्यादा फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी होगी। तो चार्जिंग की अब से मैं कहता हूँ कि अखीर लेवल की चार्जिंग होने वाली दोस्तों इस मोबाइल फ़ोन की। टाइप सी की कनेक्टिविटी होगी दोस्तों, बाकी डुअल स्पीकर जो होंगे वही आपको तमाम चीज़ें वगैरह बाकी आपको देखने को मिल जाएगी। तो अब आपने मुझे बताना है कि ये डिवाइस फ़ोन आपको कैसे लगा, ये डिवाइस आपको आप इस डिवाइस का इंतज़ार करेंगे या नहीं करेंगे, आप इस डिवाइस को लेने के लिए बेताब है या नहीं। अब अवेलेबिलिटी को लेकर बात करूँ तो दोस्तों ये मोबाइल फ़ोन आपको अगले महीने यानी कि अगस्त के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। अब इस चीज़ की कन्फर्मेशन नहीं है कि ये अगस्त के लास्ट में होगा या अगस्त के मिड में लॉन्च होगा, लेकिन अगस्त में Xiaomi वाले इसको ऑफिशियली अनाउंस कर देंगे कि ये अगस्त में प्री बुक पे जाएगा या अगस्त में इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। लेकिन अगले महीने ये डिवाइस कन्फर्मेशन है, आपको कन्फर्म 100% लिखवा लिया मेरे से, ये डिवाइस अगले महीने आपको पाकिस्तानी मार्केट के अंदर देखने को मिल जाएगी। और इसकी दोस्तों कह लें कि जो इम्पोर्ट है वो भी आ चुकी है। अब आपसे बात करूँ दोस्तों प्राइस को लेके, तो जो 6GB 128GB वाला वेरिएंट है दोस्तों, उसकी जो एक्सपेक्टेड प्राइस रखी जा रही है यानी जो की जा रही है दोस्तों, वो लीक और रूमर से जो पता चला है वो यही पता चला है कि इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस दोस्तों 40 से 42 हज़ार रुपये होगी। यानी कि उसी प्राइस में इसको लॉन्च किया जाएगा जिसमें पोको X3 प्रो लॉन्च की हुआ था। अब ये प्राइस एक अच्छी प्राइस है, लेकिन अब PTA के टैक्सेस अभी ऑफिशियली जो है वो बढ़ गए हैं। अब यही हमें देखना है Xiaomi की तरफ से कि Xiaomi कितनी अग्रेसिव प्राइस हमें प्रोवाइड करता है और कितनी ज़्यादा कह लें कि प्राइस को बढ़ाता है, कितना चेंज करता है। तो ये तो अब जब ऑफिशियली लॉन्च होगा तो हमें पता चलेगा। और दोस्तों ये थी हमारी छोटी सी वीडियो, उम्मीद करते वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को लाजमी दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह की मेरी जो भी नई वीडियो अपलोड हो उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मैं मिलूंगा आपसे इंशाल्लाह ताला अगले आने वाले वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, आपका दोस्त मानता है, अल्लाह हाफिज़।